पूरी दुनिया को अपना विकराल रूप दिखा चुका कोरोना अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बार कोरोना बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे के अंदर दो स्कूलों के 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक बच्ची ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रहने वाली है। इसके बाद वैशाली के केआर मंगलम स्कूल के 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इन स्कूलों को फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। केआर मंगलम स्कूल के एडमिन ऑफिसर ने बताया कि स्कूल में कोरोना के 3 केस सामने आए हैं। इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। इससे पहले सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 मामले सामने आए थे। उसके बाद स्कूल के प्रबंधन ने बताया था कि कोरोना पॉजिटिव केस सामने आते ही बाकी बच्चों के पेरेंट्स को बता दिया गया। इसके बाद पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवाया गया और अब 19 अप्रैल को स्कूल दोबारा खुलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 10 दिनों में नोएडा में 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर कोरोना की चौथी लहर का डर भी सताने लगा है। सचेत रहें और अपना ख्याल रखें और देखते रहें आज तक।